हाय, मैं हूँ तुषाबा और आप देख रहे फंडू कंटेंट। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, बिग बॉस 12 के इस वीकेंड की वार के हफ्ते में निकाला गया था शिवाशीष मिश्रा को, और वो भी वोटिंग के आधार पर नहीं, पर उनको निष्कासित किया गया घर से क्योंकि उन्होंने बिग बॉस का निरादर किया और साथ ही साथ घर के कुछ नियम भी तोड़े थे। और इसी वजह से हमने देखा कि सलमान खान ने वीकेंड के वार पर शिवाशीष मिश्रा को घर से निकाल दिया। पर ये सब तो हो गया बिग बॉस 12 की तरफ की कहानी। अब हम जानते हैं शिवाशीष मिश्रा की तरफ का पहलू। शिवाशीष मिश्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि कोई एक्शन नहीं लिया गया था जब घर के कोई दूसरे व्यक्ति ने हाउस रूल्स फॉलो नहीं किए। अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो दूसरों के खिलाफ भी एक्शन लेना जरूरी है, पर आखिर में ये डिसीजन तो होता है बिग बॉस का ही। इसी वजह से मैंने ज्यादा टेंशन नहीं लिया और अपने फैसले पे अड़े रहा। और आगे शिवाशीष मिश्रा ने ये भी कहा कि हाँ, मैंने बिग बॉस की बात नहीं मानी, पर मैं अपनी जगह पर सही था। और शिवाशीष ने ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे जहाँ पर दूसरे हाउसमेट्स को भी पनिश किया जा सकता था, पर उन्हें नहीं किया। शिवाशीष मिश्रा ने ये भी बताया कि इस घर में सबसे ज्यादा फेक इंसान कौन है। शिवाशीष के हिसाब से बिग बॉस 12 में रोमिल चौधरी फेक है, पर फिर भी शिवाशीष मिश्रा रोमिल चौधरी को एज अ फिनालिस्ट देखते हैं और कहते हैं कि श्रीशांत, दीपिका कक्कर और करणवीर बोहरा के साथ साथ रोमिल चौधरी भी एंड तक जाएंगे शो में। आगे शिवाशीष मिश्रा ने ये तक बताया कि कौन उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहने वाले हैं। उनके हिसाब से श्रीशांत, जसलीन मथारू, करणवीर बोहरा, सृष्टि रोड़े और दीपिका कक्कर उनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स रहेंगे। और तो और, शिवाशीष मिश्रा ने उनके और जसलीन मथारू के बीच में कुछ होने से साफ साफ इनकार कर दिया है। चलिए, ये तो हो गया शिवाशीष मिश्रा की तरफ का पहलू। अब आप हमें ये बताइए कि आप किसके साइड हैं। बिग बॉस 12 की ऐसी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए फंडू कंटेंट को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए।